जैनब और अतीका मेरे साथ हैं और इनसे बात करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग देख के कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम जैनब। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अतीका आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सबसे पहले तो ये बताएं आप लोग आई कहाँ से हैं, आरजे मॉल में आज आप मौजूद हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए? हम लोग जो है नॉर्थ कराची से आए और लाइव स्ट्रीमिंग का ही मतलब सुनने के लिए। मैच तो मैं बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल सोशल मीडिया के जरिए, और मैच तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती, लेकिन बस इस बार पता नहीं क्यों वो लाइव स्क्रीनिंग लगी हुई, इसलिए वो थोड़ा दिल किया होगा कि भाई क्या बिल्कुल हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अच्छा मुझे अतीका आप बताएं कि जो इस तरीके का एनवायरनमेंट होता है और जब ज़्यादा लोग बैठे हुए हों तो देखने में कितना मज़ा आता है? बहुत इंजॉय होती है और क्या नाम, बहुत मज़ा आ जाता है। और वैसे हम लोग जाते नहीं हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम लोग सबके साथ मतलब एलसीडी के उसमें देख रहे हैं। अच्छा तो सबके बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा तो सबके साथ आप माशाल्लाह देख रहे हैं, मुझे आप जरा कैमरे की तरफ देख के ये बताएं कि एंटायर ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आज जो ये माहौल सजाया है, तो ऐसा कराची में बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे में वाकई फराहम हो रही हूँ, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक लोगों को जो है जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तब तो ज़्यादा लोग देखते हैं, और इसी हिसाब से अगर ये एनवायरनमेंट बनाया गया तो ये बहुत अच्छा है, और बल्कि ऐसा होना चाहिए कि बंदा फैमिली लेकर इंजॉय करने, वरना मोस्टली ऐसा होता है कि अपनी फैमिली लेके लोग निकलने से डरते हैं क्योंकि इस किस्म के एनवायरनमेंट की वजह से लोग इनसिक्योर होते हैं, तो इस वजह से जो है ये बहुत अच्छा है और ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल एंटायर ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आप कराची वालों के लिए बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर माहौल फराहम किया है आरजे नया उर्दू बाजार में, तो आए विजिट करें और आरजे फूड लाउंज को भी ज़रूर विजिट करें।